हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ राहुल प्रजापत। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। फॉर द अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो अपने क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स बच्चों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आज अपन पढ़ेंगे सेल्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सेल्स पढ़ेंगे। तो ये क्लास ट्वेल्थ के अंदर अकाउंटेंसी के अंदर 20 मार्क्स का होता है पूरा इन ओवरऑल, ठीक है। 20 मार्क्स का क्लास ट्वेल्थ में होता है, ठीक है। यदि आपने इसको सिक्योर कर लिया तो आपका अकाउंटेंसी में अबो 90 मार्क्स सिक्योर करने का एक मतलब ना इजी वे, मतलब पाथवे बन जाता, ठीक है। तो यदि आपका ये स्ट्रांग हो गया तो बहुत इजी रहेगा आपको अबो 90 सिक्योर करने में, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है। तो अब अपन को समझना है कि अकाउंटिंग कैसे होती है कंपनियों के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि अभी कंपनी होती क्या, ठीक है। तो कंपनी का मीनिंग समझना पड़ेगा अपन को, ठीक है। आप कुछ भी मत करिए मेरे साथ साथ, आप एक कॉपी के अंदर एक नोटबुक लेके बैठ जाइए और जो जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लिखते रहिए, ठीक है। और जो जो बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, ठीक है। और ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड होने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सब अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और आराम से देखते रहो चैनल, ठीक है। वीडियो देखो, अब सुनो कंपनी क्या होती है, ठीक है। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक होती है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग होता है एक ये नॉन लिविंग पर्सन, ठीक है। नॉन लिविंग पर्सन, ठीक है, ठीक है। ये एक एक्चुअली आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग होता है कि एक पर्सन है, ठीक है। देखो कंपनी के एक पर्सन है, ठीक है। क्या एक पर्सन है, ठीक है। कंपनी का एक पर्सन है। अब सुनो, ये सारी चीजें आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ये बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यू आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल का पर्सन का मीनिंग होता है कि जो पर्सन जो लॉ की आंखों में मतलब बनता और लॉ की आंखों में ही मरता है, ठीक है। तो इन द सेंस में मतलब ना लॉ की नजरों के अंदर, ठीक है, जो इन आईज ऑफ लॉ, ठीक है, इन आईज ऑफ लॉ, ठीक है। जो भी आर्टिफिशियल पर्सन वो आईज ऑफ लॉ के अंदर बनता है, ठीक है, मतलब वो लॉ की नजरों में ही होता है, ठीक है। इन एक्चुअली वो फिजिकल उसकी कोई प्रेजेंस नहीं रहती, ठीक है, वो इन आईज ऑफ लॉ ही उसका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। लॉ के अंदर ही मतलब उसका मतलब क्या कहते हैं उसको एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर ही इसका रहता है, ठीक है। अब कंपनी की बात होगी, चलो ठीक है, ये एक नॉन लिविंग पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ठीक है, और इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉज हो गया, ठीक है। तो अब अपन को चलो ये तो अपन को बेसिक पता लगे कंपनी के बारे में क्या, ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को ये देखना है एक और चीज के कौन कौन से फीचर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। ये तो अपन को बेसिक मतलब पता चल गया कि ओवरव्यू पता चल गया कंपनी होती है क्या, क्या नहीं होती है। अब बेसिक अपन देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो पहला अपन को एक चीज पता रहना चाहिए कि कंपनी क्या बोला, कंपनी ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक अपन पढ़ने वाले हैं कि भाई इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन पड़ेगा, ठीक है। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक अपना है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग ये होता है कि जो कंपनी है ना वो इनकॉर्पोरेट होती है इन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। कंपनी का मतलब जन्म, इनकॉर्पोरेट का मीनिंग होता है जन्म, ठीक है, जन्म, ठीक है। कंपनी का जन्म होता है इन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसका मतलब इंग्लिश में कह सकते हो तो इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी अपना, मतलब एक नया एक इनकॉर्पोरेट होती है, वो होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। 2013 के एक्ट के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड अपना है इसका फीचर है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अब आप उनको कुछ पता है कि नॉन लिविंग पर्सन है, ठीक है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो अब इसका एक और फीचर है कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग ये है कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इन आईज ऑफ लॉ तो है ही है, पर ये होता है कि जो कंपनी के अंदर जो
इस कंपनी के अंदर मेंबर जो काम कर रहे होते, जैसे बीओडी होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, ठीक है, सीईओ हो गए, केएमपी मतलब की मैनेजर पर्सन हो गए, उन सबसे अलग है, ठीक है, एक उनका खुद का एक मतलब एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग होता है कि ये पूरी सेपरेट बॉडी, ठीक है, सेपरेट बॉडी है, ठीक है, सेपरेट बॉडी है, ठीक है, किससे, मेंबर से, मींस बीओडी से, बीओडी किससे, मेंबर से, ठीक है, मेंबर से सेपरेट बॉडी है, ठीक है, ठीक है, एक पूरी डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है। तो ये अपन को एक दो फीचर, तो अपन को दो इसके कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, फिर फीचर कह सकते हैं इसके, ठीक है, ठीक है, ये दो फीचर, पहला क्या हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, चलो ये तो पता चल गया भाई कंपनी वाला इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी एक्ट 2013 हो गया। फिर सेकंड अपना क्लियर हो गया भाई, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, मतलब कहने का मीनिंग है मेंबर्स जो उसके अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी के दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों सेपरेट का मीनिंग होता है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इनकेस यदि कंपनी के ऊपर केस हुआ, ठीक है, तो वो जो कंपनी के एक्ट के लिए कंपनी लायबल है, जो इसके अंदर पर्सन काम करने वाले वो लायबल नहीं है, समझ रहे हो, तो इसका एक फीचर ये है, ठीक है, जैसे कंपनी डिफॉल्ट किया तो कंपनी लायबल है, जो कंपनी के अंदर पर्सन जो काम करे वो मतलब लायबल नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका फीचर ये है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, बिल्कुल एक सेपरेट है, किससे, मेंबर से। फिर उसके बाद में आता है अपना आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग होता है कि एक नॉन लिविंग पर्सन, ठीक है, ये पहले हमने बता दिया कि नॉन लिविंग पर्सन है जो इन आईज ऑफ लॉ के अंदर ही होता है, ठीक है, लॉ के अंदर ही मतलब एग्जिस्ट करता है, इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं रहता, ठीक है, कंपनी का, हाँ, असेट तो रहते ही रहते हैं, बट इसका नाम होता है ना, जैसे मुझे श्रीमेंट हो गया, तो इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है इन आईज ऑफ लॉ में होता है, ठीक है, लॉ के आंखों में इसका एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये तीन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, पहला इनकॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, फिर दूसरा हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, फिर तीसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, चलो ठीक है, तीन तो तुम्हारे को पता चल गया, नोट कर लिया तुमने, साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है, नहीं किया तो वीडियो का रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अब अपना क्या रहता है कि चौथा, तीन तो अपने पढ़ लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, अब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कंपनी हैज फॉलोइंग दिस, फॉर एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द कंपनी, ठीक है, पूछ सकते हैं कि भाई फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया, सेकंड ऑप्शन दे आपको दिया मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस दे दिया, थर्ड दे दिया आपको आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, और ऑप्शन डी दे दिया ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये अपन को क्लियर हो गया। अब फोर्थ अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, फोर्थ फीचर कौन सा, ठीक है, फोर्थ फीचर इसका है कि परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना है लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, फिर उसके बाद में है ट्रांसफरबिलिटी टू शेयर, ठीक है, तो अपन को ये अब समझ आ रही है, सुनो, तीन तो अपने स्टार्टिंग में पढ़ लिए, अब सुनो, अब अपन आते हैं फोर्थ पे, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है अपना, ठीक है, तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है कि जो कंपनी है ना, वो कंपनी का जो कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली, ठीक है, इसका मीनिंग है कंपनी कभी बंद नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बंद हो सकती है, सुनो, जैसी कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, जैसे ये ए लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, अब इसके अंदर बहुत सारे मान के चलो, ये पर्सन, ठीक है, ये बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो इन केस यदि सारे पर्सन मर भी जाते ना, सारे पर्सन मर गए, अब कंपनी को कोई चलाने वाला है नहीं है, तो अपन यूनिक है कि कंपनी बंद हो गई, कंपनी फिर भी चलेगी, इन सबके ये सारे मेंबर के मरने के बाद भी कंपनी चलेगी, समझ रहे हो, तो इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑल मेंबर द कंपनी विल स्टिल कंटिन्यू टू, ठीक है, तो भी चलेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है, कब तक चलती रहेगी, जब तक इन आईज ऑफ लॉ में मर नहीं जाती, ठीक है, जब तक कोई एक वाला लीगल नोटिस कंपनी के पास नहीं आ जाता फॉर बाइंडिंग अप, ठीक है, तो कंपनी विल कंटिन्यू इज बिजनेस, continuous business till binding up, ठीक है, ठीक है, binding up के business तक company चलती रहेगी, ठीक है,
जब तक कोई लीगल नोटिस बाइंडिंग अपना नोटिस कब आता है, जब मतलब कोर्ट या ट्रिब्यूनल होगी कोई कंपनी का एक नोटिस आता है कि भैया हम आपकी कंपनी को बंद करना चाहते हैं क्योंकि आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया, फिर आपकी कंपनी अनेबल टू पे योर लोन एंड डेब्ट्स, जो भी कंपनी के ऊपर लोन हो रहे डेब्ट हो रहे वो पे नहीं कर पा रही, ठीक है। तो उस केस में आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो कंपनी मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग, इसका मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग इन अपन सिंपल लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, कंपनी विल कीप ऑन यू नो कंटिन्यू इट्स बिजनेस टिल इट रिसीव द नोटिस ऑफ बाइंडिंग अप और लिक्विडेशन, ठीक है। अब सुनो, अभी नोटिस कब आता है, जब कंपनी किसी का लोन पे नहीं कर पाती, ठीक है, या फिर कंपनी डिफॉल्ट कर देती है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, ठीक है, या फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, तो उस केस में कंपनी को वाइंडिंग अप होना पड़ता है। और इनकेस यदि मेंबर मर जाए तो कंपनी तो चलती रहेगी, ठीक है, भले मेंबर से कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी तो चलती रहेगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है। वो अब अपना आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। या सुना जो सुनो, फोर्थ तो अपना क्लियर हो गया, अब आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर उनको ये समझना है कि जो मेंबर होता है ना, जैसे मान लीजिए कंपनी, ठीक है, आप एग्जांपल लेता ये है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका इसके अंदर ये भी पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, इस पॉइंट को इस वजह से समझना है, ठीक है, इस पॉइंट को इस वजह से समझना है। जैसे ये कंपनी, इसके बहुत सारे पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये पर्सन है, तो ये पर्सन है, तो अपन को इस वजह से समझना है कि अब इस कंपनी है, अब इन बंदों की लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, इन बंदों की लाइबिलिटी है ना वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, ठीक है। इसे समझ तो कंपनी का एक फीचर है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो अब इसमें अपन को ये समझना है कि जो मेंबर होता है ना कंपनी के मेंबर, कंपनी के मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, जस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, ओवरव्यू से, ठीक है, एक ओवरव्यू सिंपल सा, ठीक है। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड इन द सेंस कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल इनकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, कंपनी की लाइबिलिटी होती है, कंपनी के ना लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और कंपनी के अंदर रहते हैं कौन, ऑब्वियसली मेंबर रहते हैं, तो मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, कितना लिमिटेड है, जितना अनपेड अमाउंट, ठीक है, अनपेड अमाउंट है, जितना आपका अनपेड अमाउंट, ठीक है, अनपेड अमाउंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान चलो 10 रुपये की फेस वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, फेस वैल्यू है किसी भी शेयर्स की, ठीक है, और किसी मेंबर ने 2 रुपये पे नहीं किए, तो लाइबिलिटी कितनी है मेंबर की, 2 रुपये, ठीक है। तो ये होता है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग होता है कि कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब कंपनी को ऐसा मत समझो, कंपनी के अंदर मेंबर होते हैं तो मेंबर की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, ठीक है, इसमें ऐसा समझना, ठीक है। तो इसके अंदर फिर अपन को देखना है कि भाई कितना मतलब फेस वैल्यू है, 10 है, तो 10 में से 2 पे नहीं किया तो 2 क्या है उसकी लाइबिलिटी है मेंबर की, ठीक है, उसको पे करना, लाइबिलिटी का मीनिंग बोझ है, उसको पे करना, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, दो तो पॉइंट क्लियर हो गए, क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद में ट्रांसफरबिलिटी होती है, ठीक है। अब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, मैंने बता दिया शेयर्स क्या होता है, सुनो चलो मैं शेयर्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। शेयर्स क्या होता है कि शेयर्स का मीनिंग होता है कि एक ही कैपिटल होता है ना, मान लो ये कंपनी की कैपिटल है, ठीक है, ये कंपनी की कैपिटल, ठीक है, ये कंपनी की कैपिटल है, ठीक है। कंपनी का स्मॉल, इसे कंपनी की कैपिटल को आप स्मॉल स्मॉल पार्ट में बांट दो, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में बांट दो, ठीक 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 ठीक। अब फिर से फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपये, ठीक है, 10 लाख रुपये कैपिटल है। अब कंपनी के कैपिटल को आपने बांट दिया कितने, कंपनी कैपिटल को आपने बांट दिया 1 लाख शेयर्स एट द रेट फेस वैल्यू 10, समझ रहे हो, 10 लाख कैपिटल थी उसको अपने बांट दिया, उसको अपने बांट दिया 1 लाख शेयर्स फेस वैल्यू 10, तो मल्टीप्लाई करेगा 10 लाख होगी। तो कंपनी के, कंपनी ने क्या किया, अपनी कैपिटल को बांट दिया, 10 लाख कैपिटल थी उसको बांट दिया, तो जो बांटा, तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 10 रुपये के हिसाब से बांटा तो कितना आ गया 1 लाख फेस वैल्यू 10, ठीक है। तो अब सुनो, अब ये तो हो गया शेयर्स हो गया, ठीक है, शेयर्स के बारे में मीनिंग तो क्लियर हो गया। अब जो शेयर्स होते हैं ना, अब शेयर्स क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी होती है, एक लिस्टेड होती है, अनलिस्टेड होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, तो बहुत सारी कंपनी होती है, ठीक है। अब मेनली अपन देखें ना तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। तो याद रखना कि पब्लिक, जो भी पब्लिक कंपनी होती है ना उसके अंदर ट्रांसफरबिलिटी ऑफ द शेयर्स होती है ना वो इजी होता है, ठीक है, इसमें कितना कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। पब्लिक कंपनी के अंदर ट्रांसफरबिलिटी, अब कंपनी एक इन ओवर देखे ना तो कंपनी दो तरह की होती है, ठीक है, कंपनी दो तरह की होती है, ठीक है, ये होता है पब्लिक, ये होती है प्राइवेट, ठीक है, ठीक है, ये होती है पब्लिक, ये होती है प्राइवेट, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स होता है ना वो इजीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो ये दो आपको मतलब दिमाग में रखने हैं, मतलब ये मेजर मेजर पॉइंट है, एग्जाम पूछ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय शेयर्स, ठीक है। अब कौन सी कंपनी में शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है, कौन सी कंपनी में शेयर्स नॉट इजीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है, क्लियर है, सब क्लियर है, नोट डाउन भी कर लो, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने थोड़े से और रहे, ठीक है,
सात का पॉइंट आता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कौन सा, कॉमन सेल। देखो अब क्या होता है, सुनो अब एक और पिक्चर आता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ठीक है। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप का मीनिंग क्या होता है, तो मैनेजमेंट का क्या होता है कि कंपनी को कौन रन करेगा, कंपनी का बिजनेस कौन चलाएगा, ठीक है, कंपनी का बिजनेस कौन चलाएगा। और ओनरशिप का बिजनेस मीनिंग होता है कि कंपनी का कौन रियल ओनर है, ठीक है, हु इज रियल ओनर, ठीक है। ओनरशिप का मीनिंग होता है हु इज रियल ओनर, ठीक है, आर ई ई एल, ठीक है, हु इज रियल ओनर। और मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि कौन कंपनी के बिजनेस को चलाएगा, ठीक है। यदि मैं इन जनरल में बात करूँ तो कंपनी का जो मैनेजमेंट को संभालता है वो संभालता है बीओडी, कौन संभालता है, बीओडी संभालता है, ठीक है। उसका मीनिंग होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। जस्ट कीप ऑन राइटिंग विथ मी, ठीक है, ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट का संभालता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और कंपनी की ओनरशिप किसके पास होती है, शेयर होल्डर, ठीक है, कौन कौन होता है, शेयर होल्डर के पास होती है कंपनी की ओनरशिप, ठीक है। जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं ना वो होते हैं शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर होते हैं रियल ओनर, ठीक है। अब इसमें भी शेयर होल्डर के अंदर अपन आते हैं इक्विटी शेयर होते हैं ना वो होते हैं रियल ओनर, ठीक है, इक्विटी शेयर। बस सब पढ़ेंगे इन डिटेल, वी विल बी हैविंग द डिस्कशन, जस्ट फॉर द टाइमिंग जस्ट कीप इन द माइंड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ द इक्विटी शेयर्स, टू टाइप ऑफ शेयर्स, वन इज इक्विटी शेयर, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इतना से दिमाग में बैठाना कि अब इक्विटी शेयर होता है ना वो रियल ओनर होता है, ठीक है। आई होप ये तो क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। ओनरशिप और मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, बीओडी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उनका हाथ में होता है कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना तो ये लेता है, ठीक है। उसके बाद जो ओनर होता है ना वो होता है शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में आ सकता है, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, हु इज द होल्ड, और कह सकते हैं कौन मैनेजमेंट कंपनी का चलाता है, ठीक है, कौन चलाता है, बीओडी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है। चलो अब कॉमन सील, ठीक है, अब कॉमन सील का मीनिंग क्या होता है, देखो सुनो, अब ये कंसेप्ट इतना मतलब रेलिवेंट नहीं है क्योंकि देखो जब से ये कंपनीज एक्ट 2020 आया ना, 2020 आया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि सब कंसेप्ट हटा दिया है, ठीक है। अब कॉमन सील, अब कॉमन सील का मीनिंग ये होता है कि चलो एक लेवल लेवल बताओ तो कॉमन सील का मीनिंग होता है सिग्नेचर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब तुम खुद बता दो, कंपनी क्या नॉन लिविंग पर्सन खुद तो साइन कर नहीं सकती, सही है ना यार, कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती। तो अब क्या होता था पिछले मतलब पुराने कंपनी एक्ट के अंदर, कौन सा, 2013 के अंदर एक प्रोविजन था कि कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए। तो कॉमन सील में क्या होता है, एक कंपनी की सील होती है, तुमने देखा होगा ना, एक सील स्टैंप होता था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सी भी कंपनी लो ना, जैसे मान के चलो आदित्य बिरला सीमेंट, ठीक है, तो ऐसा एक सील होगी, ऐसा बनेगी ना, एक सील ऐसी बनी होगी उसमें आदित्य बिरला सीमेंट लिखा होगा और एक ऐसा साइन बना होगा, ठीक है। कोई भी पेपर आएगा मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, यदि कंपनी का साइन चाहिए होता था तो जो कंपनी का होता ना वो डायरेक्टर उसको इस वाले स्टैम्प को उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा देते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमारा है, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, मतलब कंपनी साइन कर सकती है थ्रू कॉमन सील, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग पर्सन है तो इसलिए फिर सील बनाई, ठीक है, सील है नहीं, सील बनाई, ठीक है, ये सील बनाई, सील से फिर ना मतलब डॉक्यूमेंट को साइन कर देता है, ठीक है, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि अब ये कॉन्सेप्ट पूरा हट गया, ठीक है, अब इतना रेलिवेंट नहीं है। अब क्या होता है कि कंपनी के बिहाफ पे टू डायरेक्टर, ठीक है, अब कंपनी के बिहाफ पे टू डायरेक्टर और and out of two, not two director and out of two, इन दो में से एक independent director, सब बताऊंगा क्या होता है, क्या नहीं होता है, independent director कौन होता है, कौन नहीं होता है, ठीक है। दो director में से